थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, इसमें है स्केयर रूट फाइंड आउट करना है, 2 + √2 + 2 cos 4θ, इसकी वैल्यू हमने बतानी है कितनी आएगी। ऑप्शंस दिखा रखे हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम cos 2θ का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। शायद कोस ए प्लस बी की वैल्यू एसएन वाले बुक में दे रखी हो, तो कोस ए प्लस बी होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो जो अपने पास कोस टू थीटा है उसका फॉर्मूला हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो कोस टू थीटा को हमने लिखा कोस थीटा प्लस थीटा, और इसका मतलब अब ये ए की जगह भी थीटा है और बी की जगह भी थीटा, और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए की जगह भी थीटा है और साइन बी की जगह भी थीटा है, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जो कोस टू थीटा था हमने वो किसके इक्वल लिखा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसकी वैल्यू हम अकेले कोस में लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 - cos² θ। कोस स्क्वायर थीटा माइनस खुलेगा तो माइनस वन और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 cos² θ - 1। ये वैल्यू किसकी है, कोस टू थीटा की। अब अपने पास डबल एंगल में वैल्यूज यूज हो रही हैं कोस 4θ, तो इसका मतलब इसका हाफ एंगल यूज करके हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो जो अपने पास रिजल्ट हमने सॉल्व करना है वो है स्क्वायर रूट 2 + √2 + 2 × जिस तरह से हम कोस 2 थीटा की जगह ये लिख सकते हैं। तो अगर 2 थीटा की जगह कितना हो 4θ, तो कोस 4θ कब बनेगा, ये जब 2 और थीटा की जगह 2θ हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस 4θ। तो यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा, अगर यहाँ 4θ है तो यहाँ थीटा की जगह कितना आएगा, 4θ। तो इसका मतलब कोस 4θ को क्या लिख सकते हैं, 2 cos² 2θ - 1। कोस 4θ इज इक्वल टू 2 cos² 2θ - 1, 2 + √2। अगर ये ब्रैकेट खुलेगी तो इसका मतलब ये इसके साथ प्रोडक्ट होके 4 cos² 2θ, और ये इसके साथ होगा तो -2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, इसका अगर फिर स्क्वेयर रूट लेंगे तो 4 का 2 और इसका कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर हटके ओनली कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 + तो इसका स्क्वेयर रूट 2 और इसका कोस 2θ। अब फिर से कोस 2θ की जगह वैल्यू रख ले हम, 2 + 2, कोस 2θ किसके इक्वल, 2 cos² θ - 1, और इसको सिंपलीफाई करें 2 + ब्रैकेट खुलेगी तो 4 cos² θ - 2, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 0 बन जाएगा, और इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो 4 का 2 और कोस स्क्वेयर का कोस थीटा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अपने पास इसका रिजल्ट बनेगा 2 cos θ।